हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका पर्यावरण का है, कोड 505 का है और एमसीक्यू है इम्पोर्टेंट। तो चलिए आइए देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरणी वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो पर्यावरण की परिभाषा किसने दी थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जे एस रास जो है उन्होंने ये परिभाषा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि पर्यावरणीय वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, चारों तरफ से हमें घेर के रखी है तो प्रभावित तो करेगी ही। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण का ज्ञान, ए बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ए एंड बी दोनों सही है, क्योंकि पर्यावरण का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण का ज्ञान हो, यानी पर्यावरण का पहले ज्ञान हो और ज्ञान से लोग जागरूक हों। ये दोनों जो उद्देश्य होते हैं पर्यावरण के उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या सत्य है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या सही चीज़ है। आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में शिक्षक के बजाय छात्र पर ध्यान दिया जाता है, या फिर प्रत्येक बच्चा पर्यावरण संबंधी अपना अनुभव व समझ लेकर अधिगम हेतु विद्यालय में प्रवेश करता है, या पर्यावरण अध्ययन में बच्चे अपने आप को वास्तविक संसार की परिस्थितियों के साथ जुड़कर अध्ययन करते हैं, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसमें ए जो है पहला है, तो सही बात है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम शिक्षक के बजाय छात्र पर ध्यान दिया जाता है, और प्रत्येक बच्चा जो होता है तो पर्यावरण से अपने अनुभव समझ लेकर ही विद्यालय में प्रवेश करता है, यानी जो इतने ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के बारे में सत्य क्या है, जो तीनों चीज़ें हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि बालक में सामाजिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के मुख्य साधन कौन से हैं, यानी बालक में सामाजिक अभिवृत्ति, समाज के प्रति जो चिंतन होता है, समाज के प्रति जो एक जागरूकता होती है, वो चीज़ उत्पन्न करना है अगर बालक में, कि बालक सोचे समाज के बारे में, तो प्रमुख साधन कौन से होंगे, मेले, राष्ट्रीय पर, धार्मिक पर, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि समाज के प्रति जागरूकता बच्चों में लाने के लिए मेले भी जरूरी होते हैं और राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व जो होते हैं सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मुख्य साधन है ये सामाजिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के। मूल्य आधारित शिक्षा के मुख्य तत्व कौन से हैं, मूल्य आधारित शिक्षा के मुख्य तत्व कौन से। मूल आधारित शिक्षा जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आपका इंपॉर्टेंट लगता है पर्यावरण में। तो मूल आधारित शिक्षा के मुख्य तत्व कौन से हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी वैधानिकता, आधुनिकता और सामाजिक न्याय जो है ये मुख्य तत्व होते हैं मूल आधारित शिक्षा के। ओके, और थोड़ी सी नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ बारिश हो रही है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी नॉइज़ प्रॉब्लम आ जाए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पर्यावरण शब्द अंग्रेजी एनवायरनमेंट मूलतः किस भाषा का शब्द है, पर्यावरण का जो अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट है वो किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मनी या लैटिन। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर लैटिन दिया हुआ है तो ये रॉन्ग आंसर होगा, फ्रेंच जो है राइट आंसर होगा इसका। ओके, तो ये जो आंसर ये आपका गलत हो जाएगा, और पर्यावरण का जो अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक जल, वायु, भूमि, तो ये सभी हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं वो जल, वायु, भूमि हैं। और कौन कौन से घटक है इसका वीडियो भी ऑलरेडी बना है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक के पाठ्यक्रमों में अलग विषय के रूप में मान्यता कब मिली। अब आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है कक्षा 3 से 5 तक में पढ़ाया जाता है, तो एक अलग विषय के रूप में कब इसे मान्यता मिली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो फ्रेमवर्क 2005 है उसमें। पर्यावरण के मौलिक वसुधन कुटुंबकम यह किस ग्रंथ से ली गई, यानी जो एक पर्यावरण में बात कही गई है कि वसुधन कुटुंबकम जो पूरा विश्व है वो एक परिवार के समान है, ये बात किस ग्रंथ से ली गई है, किस ग्रंथ में ये बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हितोपदेश जो है उसमें ये बात कही गई है, वसुधन कुटुंबकम। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, सतत है, व्यापक है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर इसका सी होगा, उपयुक्त दोनों होगा, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है सतत भी होती है और व्यापक भी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षण में पर्यावरण को शामिल करने की शुरुआत कब से हुई, यानी शिक्षण में पढ़ाने के लिए पर्यावरण को कब कब से शामिल किया गया आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद ही शिक्षण में पर्यावरण को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। तो यदि आप ईयर भी याद रखेंगे और यदि अलग अलग ईयर देता है तो 1972 जो है वो आप सही कर दीजिएगा, वरना संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखिएगा। ओके, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? उद्देश्य प्राप्तशील होने चाहिए या उद्देश्य सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप होने चाहिए, उद्देश्य अव्यवहारिक होने चाहिए? तो डी, तो राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के समय उद्देश्य जो है वो प्राप्तशील होने चाहिए और उद्देश्य अव्यवहारिक होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण किसके लिए आवश्यक है आपका ये क्वेश्चन बनेगा, मानव हित, संरक्षण, शिक्षण हित एवं ए एवं सी दोनों। तो ए एवं सी यानी कि मानव हित और शिक्षण हित दोनों के लिए पर्यावरण संरक्षण जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि मूल्यपरक शिक्षा के मुख्य तत्व कौन से हैं? मूल्यपरक शिक्षा के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वैधानिकता, आधुनिकता, सामाजिक न्याय जो मूल्यपरक शिक्षा होते हैं इसके मुख्य तत्व हैं। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। शिक्षण के मुख्य सूत्र कौन से हैं? शिक्षण के मुख्य सूत्र कौन से हैं आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से कठिन की ओर, उपयुक्त दोनों। तो राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी शिक्षण के जो मुख्य स्रोत होते हैं यानी सूत्र जो होते हैं वो हैं आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से कठिन की ओर। चार मेन सूत्र होते हैं, ठीक है ना, तो इनमें से दो दिया हुआ है, तो दोनों जो है सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से कठिन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो मेन शिक्षण के मुख्य सूत्र आपके हैं मैं आपको बता देती हूँ, जिसे ज्ञात से अज्ञात की ओर हो ही गया, सुगम से कठिन की ओर हो गया। एक है मूर्त से अमूर्त की ओर भी होता है, एक है अनिश्चितता से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है ना, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो कुछ ऐसे पूर्ण से अंश की ओर कुछ ऐसे सूत्र हैं, और सरल से कठिन की ओर। तो ये मेन सूत्र होते हैं जिन्हें याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो शिक्षण के मुख्य सूत्र कितने हैं हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन द्वारा किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? तो देखिए, मूल्यांकन के द्वारा जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी की प्राप्ति होती है, यानी बच्चों की प्राप्ति, मात्रात्मक एवं गुणात्मक समझ जो होती है वो भी मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है। बच्चों की प्रगति संबंधी प्रतिपुष्टि करना यानी बच्चों की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है, मूल्यांकन के माध्यम से ही तैयार की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है, तो उसमें भी हमें पता चलता है बच्चा किस तरह का है। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति में आए अंतर की पहचान करना, आवश्यक कार्रवाई करना, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए, जो इसका मौलिक कर्तव्य है इसके अंतर्गत ये चीज़ें कही गई हैं। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं उनकी वो दया भाव उनके प्रति रखें, संरक्षण करें और जीवों के प्रति दया भाव रखें। छात्रों में प्रोत्साहन है तो किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए? तो लेख प्रतियोगिता का, भाषण का, अन्य प्रतियोगिता का, इन सभी का आयोजन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और शिक्षण प्रक्रिया का अंग किसे कहा जाता है? तो शिक्षण प्रक्रिया का अंग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कक्षा कक्ष को शिक्षण प्रक्रिया का मेन अंग कहा जाता है, क्योंकि छात्र सभी तरह के होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ विशेष कमजोर भी होते हैं, सभी का माइंड आईक्यू एक जैसा नहीं होता है, शिक्षक भी अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो कक्षा कक्ष होता है वो बिल्कुल खुले वातावरण में अच्छे माहौल में होना चाहिए। वहाँ पे फर्नीचर होनी चाहिए, बैठने के लिए टेबल होनी चाहिए, अच्छा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पे अच्छी रोशनी आनी चाहिए और जहाँ पे पर्याप्त हवा खुली आनी चाहिए। तो इस तरह का कक्षा कक्ष होना चाहिए, इसलिए शिक्षण प्रक्रिया का अंग जो है विशेष कक्षा कक्ष को रखा गया है, जहाँ पे स्टूडेंट को रख के पढ़ाया जाता है।
यदि क्वेश्चन आपके इसमें आ जाता है कि आप एक शिक्षण प्रक्रिया का अंग कक्षा कक्ष है और आप इससे क्या समझते हैं बताइए, तो फिर आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जो अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा स्रोत पुनर्विकीकृत किए जा सकते हैं, फिर से बनाए पुनर्विकीकृत किए जा सकते हैं, कोयला, वायु, पेट्रोलियम, परमाणु। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वायु हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा नहीं बनाई जा सकती हैं, दोबारा जो खत्म हो गई हैं उनको नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, बालकों को किसी विधि से पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है, तो बालकों को उपयुक्त बालकों को किस विधि से पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है, औपचारिक विधि से, अनौपचारिक विधि से, उपयुक्त दोनों में से, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बालकों को शिक्षण पर्यावरण शिक्षा जो है ना, तो आप औपचारिक विधि से दे सकते हैं ना अनौपचारिक विधि से, बल्कि बेस्ट ऑप्शन होता है प्रत्यक्ष विधि से। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मेन इंपॉर्टेंट MCQ पर्यावरण से। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।